हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्कूल का समर वेकेशन चल रहा है और हम लोगों ने प्लान किया गो कार्ट जाने का। बच्चों के साथ हम लोग ये गो कार्ट जाने का प्लान किया। ये गो कार्ट मैरीलैंड में है और बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा फन एक्टिविटी है और इंडोर भी है। आउटसाइड जब वेदर अच्छा नहीं हो या बहुत ही ज़्यादा हीट हो तो इंडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के लिए घर से प्लान करना पड़ता है। बच्चों के लिए बहुत ही बच्चों को अच्छा लगता है यहाँ पर जा करके एक्टिविटी करना। यहाँ पर हम लोग बच्चों को फन एक्टिविटी के लिए गए थे। बच्चों को ये कार रेस बहुत ही अच्छा लगता है करना। यहाँ पर कुछ स्पेशल इवेंट भी प्लान कर सकते हैं, जैसे बर्थडे पार्टीज या बैचलर पार्टी। अगर प्लान करना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आप यहाँ पर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग इस जगह को पहली बार एक्सप्लोर कर रहे थे और फर्स्ट टाइम गए थे बच्चों के साथ और बच्चों को अच्छा ही लगा। पूरा ही ग्लास का इंडोर गो कार्ट रेस बना रखा है और इंडोर फूड भी अलाउ करते हैं, बाहर से लेकर के जा सकते हैं। ये यहाँ पर टिकट काउंटर है और एंट्री पर ही आप पिक्चर्स वगैरह करा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम लोग यहाँ पर इवेंट प्लान भी कर सकते हैं और बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ भी प्लान कर सकते हैं आने के लिए। सबके लिए सेफ्टी रूल भी बना रखा है और सब लोग रूल्स को
फॉलो भी करते हैं। ग्रुप पिक्चर या फैमिली पिक्चर के लिए एक अलग से कॉर्नर भी बना रखा है। साइड में और भी गेम खेलने का बना रखा है। जब तक आपका टर्न नहीं आता है रेस करने का, तब तक आप कुछ गेम खेल सकते हैं। सभी साइज का हेलमेट और गियर का इंतजाम कर रखा था। सब लोग सेफ्टी रूल भी फॉलो करते हैं और हेलमेट का यूज करना जरूरी है।
बच्चों ने रेस में पार्टिसिपेट किया, उन लोगों का स्कोर स्क्रीन पे बताते हैं और चीयर अप करते हैं। आप लोगों को मेरा ये गो कार्ट ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को मोटिवेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।